हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन बीट बेस्ट एजुकेशन एकेडमी फॉर टॉपर्स। सो एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी और योर नीट प्रिपरेशन और जेई प्रिपरेशन, व्हाटएवर यू कैन से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11, राइट? So as you can see, the chapter name is Rotational Mechanics, and we have learned a lot of things, and we have completed the previous 7 lectures. I hope you all already completed, right? आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से उसको complete किया होगा। Complete करने के बाद आपने उसके proper notes बनाए होंगे, और definitely आप notes बना भी रहे होंगे, practice भी कर रहे होंगे, और आपने errorless जो मैंने आपको बताई थी book, और उसके बाद जो मैंने कहा है assignment आपको description में मैंने दिया था, PDF दिया था, वो सारा आप ने कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग कुछ करते हैं, चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ इसी रोटेशनल मोशन में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सम थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम फैक्ट्स अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी हैव डेराइव्ड सम फॉर्मूला और फॉर सम bodies like rod, ring as well as a disc. In previous lecture I have derived some formula, mr square by 2, mr square, ml square by 12 and all that, right? So this lecture will start from the same, from that moment of inertia as I left in the previous lecture, that the topic where I left is the radius of gyration. So we are going to start the same thing. I hope all of you are ready. आप सभी लोग ready होंगे, copy pen आपके हाथ में होंगे, और आपने पिछले वाले लेक्चर्स के पूरे नोट्स बनाए थे तो रिवाइज भी किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन से हम लोग को स्टार्ट करना था कि व्हाट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो देर आर नंबर ऑफ फॉर्मूला अबाउट एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेटिंग। सपोज इन स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड लाइक एम L square divided by 3. As I told you, एक rod है, इसके end, ये एक rod है, mass M, length L की, और ये end के about अपने एक axis जो कि इसके end से pass करता है, अगर इसके about rotate कर रही है तो इसका moment of inertia बच्चों होता है ML square by 3. एक moment of inertia हम लोग ने और निकाला था midpoint के about, वो था ML square by 12. I hope आपको याद होगा। इसके बाद आपको ring का moment of inertia निकाल के दिखाया था about the axis, वो आया था m, radius r है तो mr square, let me change the color so it will look a little more beautiful, और disc के लिए फिर आपको मैंने बता दिया था mr square divided by 2, right? So here the radius of the disc is supposed to be r, here the radius of the ring supposed to be r, ये सारी यहां पर radius r है, यहां पर length दी है, तो हमें हर एक body के rotational effect को अच्छे से represent करने के लिए, समझने के लिए एक नए term को define किया गया, that is known as the radius of gyration. Radius of gyration आपको एक अंदाजा देता है कि उसका mass distribution, जो भी mass है उसका mass distribution कैसा है, क्या वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, कहां से मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी का मास कितनी डिस्टेंस पे है। एज यू नो कि अगर आपके पास एक पॉइंट मास हो और पॉइंट मास किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो और इस पॉइंट मास को आप एम कह रहे हैं और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज सपोज टू बी स्मॉल आर। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिखते हैं अबाउट द सेम एक्सिस, राइट? दिस एक्सिस सपोज टू बी ए। इसी तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी बॉडी के किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, यानी वो क्वांटिटी जिसको आप r की जगह लिख पाए, वो क्वांटिटी जिसको आप r की जगह लिख पाए, तो वो जो क्वांटिटी होगी दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये डेफिनेशन आपने यहां पे लिखनी है, इट इज द डिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस वेयर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड विदाउट एल्टरिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस।
राइट। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मैं फिर से एक बार यहां पर निकाल के बताता हूं कि अगर आप किसी भी बॉडी को देखें, वो किसी भी शेप की कैसी भी हो सकती है, और उससे पास होने वाला एक्सिस, यानी कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बॉडी का मास इंटू के स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये पूरी बॉडी का मास है। अगर हम इस के को देखें, ये जो के दिख रहा है, कैपिटल के कह लीजिए या स्मॉल के कह लीजिए, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। राइट, इसी को बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको ये बताता है कि उस पूरी की बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यानी हम उस बॉडी के मास को उस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे अज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैंने रिंग का अबाउट एन एक्सिस कहा था, तो आपने उसको एम आर स्क्वायर लिखा था। अगर हम इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एम आर ए स्क्वायर। यहां पर इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन आर होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा मास आर डिस्टेंस पे है। रिंग के केस में ये समझना तो बिल्कुल आसान है, राइट? रिंग के केस में ये समझना बिल्कुल आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट अगर आप यही सेम चीज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ डिस्क अबाउट द सेम एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट देखें, तो आपने इसको कैलकुलेट किया था एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, राइट? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, इसको आप लिख सकते हो एम आर डिवाइडेड बाई रूट टू होल स्क्वायर, राइट? एम के स्क्वायर, यानी हम उसको एम और समथिंग का स्क्वायर, सो दैट समथिंग जो भी होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि वो जो भी समथिंग चीज है ना, वो समथिंग यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे यहां रेडियस ऑफ गायरेशन ये था, यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया है आपका आर डिवाइडेड बाय रूट टू। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है आपको? आर डिवाइडेड बाय रूट टू। ऐसे ही मैं आपको अगर रॉड के बारे में बताऊं, रॉड आपने लिखा था और रॉड के एंड से अगर एक्सिस पास कर रही थी, तो आपने उसको लिखा था एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, और ये आ गया था एम, ये आया था एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री, इसका आपने स्क्वायर किया था। यहां पर के की वैल्यू एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री आ गई थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है और बिना किसी परेशानी के समझ में आ रही है, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting my point perfectly? That's great. That's great. So nice of you guys. K की value L by root 3, K की value R by root 2, K की value R. ये सारे जो K हैं, that is all about the radius of gyration, right? ये सारी चीजें आपको अपने notes में लिखनी है। और वैसे भी मैं आपको पता होगा, याद होगा कि मैं इसका PDF, ये जो है, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं PDF में convert करके link में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको note कर सकते हैं। आपको ये चीज note भी करनी जरूरी है आपकी कॉपी में, राइट? चलिए एक और मैं बताता हूं कि अभी आपने देखा कि अगर रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के अबाउट देखा जाए, तो आप एम एल स्क्वायर बाई 12 कहते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एम एल डिवाइडेड बाई रूट 12 और इसका स्क्वायर, तो आपको यहां पर के की वैल्यू जो मिलेगी L डिवाइडेड बाई रूट टू। अगेन यू गॉट द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो, रॉड के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन, ये डिस्क के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बच्चों आ गई आपकी रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन। मीन्स यू हैव अ नंबर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? यू हैव अ नंबर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आपके पास बहुत सारे रेडियस ऑफ गायरेशन है। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन एक बॉडी के कई सारे हो सकते हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस बॉडी का मास कितनी डिस्टेंस पर एज्यूम किया जा सकता है। जैसे इसके लिए तो सारा मास आर डिस्टेंस पे है, इस डिस्क के लिए सारा मास हम आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे एज्यूम कर सकते हैं,
यहां इस रॉड के लिए सारा का सारा मास उस रॉड के एक्सिस जो कि एंड से पास कर रहा था उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई रूट थ्री पर एज्यूम कर सकते हैं। अगर वो एक्सिस मिड पॉइंट से पास कर रही हो तो हम मिड पॉइंट से एल बाई रूट ट्वेल्व राइट इतने पे एज्यूम कर सकते हैं। यानी आप किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, एम के स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, आप अगर उसको एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें तो जो k होगा दैट k विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप रेडियस ऑफ गायरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है और ये आपको क्लियर हो गई होगी, आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। यहां पर मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बता दिया है। आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, जैसे ही आप अगर k देखें यहां से तो ये I डिवाइडेड बाई M आ जाता है और फिर आप यहां से इसका अंडर रूट लेते हैं तो K की वैल्यू रूट आई बाई एम मिलती है एंड यू गॉट इट राइट। हियर इज द फॉर्मूला K इज इक्वल टू रूट आई बाई एम इफ द मास M ऑफ द बॉडी वर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड एट अ डिस्टेंस K फ्रॉम द एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज K अंडर रूट I by M, ये radius of gyration होगी। I hope all of you got it. What is the radius of gyration? अब इसी को हम लोग ने कल इसका use कर लिया था और आपको बता दिया था radius of gyration of a rigid body depends upon the two factors, position of axis of rotation, यानी वो body किस axis के about rotate कर रही है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। देन ये पता होना चाहिए कि वो बॉडी जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उसके रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पोजीशन ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ यानी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो ये दोनों चीजें रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करती हैं और आई होप अगर आपने इसको समझा होगा, अच्छे से सुना होगा, मेरे हर एक पॉइंट को सुनेंगे तो आपको कभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं भूलेगी। Is that clear? I hope सभी ने अच्छे से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज देखते हैं। radius of gyration का तो यूज कर लिया, यहां पर अगर हम देखें तो radius of gyration k is equal to है r, क्योंकि आपने ये देखा कि एक रिंग है और रिंग के एक्सिस, यानी एक्सिस का मतलब ये रिंग का सेंटर हो गया और रिंग अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट, ये एक रिंग है, ये रिंग का सेंटर है, एक लाइन जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, दैट इज नोन एज एक्सिस एंड दिस इज आल्सो नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको अगर आप नाम दें ए ए डैश और इसकी रेडियस आर है, मास एम है, तो आई ए ए डैश क्या हो जाएगा, आई ए ए डैश हो जाएगा एम आर स्क्वायर और फिर इसी के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के ए ए डैश हो जाएगा आर। ठीक है, अभी हम इसको अलग अलग कई एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं लेकिन वो हम लोग थ्योरम देखने के बाद करेंगे। अभी तक के आपको ये चीज याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है और अगर हम इसके अलावा डिस्क की बात करें, मैंने पिछली क्लास में पूरा डेराइव करवाया है, शायद आपको याद होगा ये चीज मैं डेराइव करके डेरिवेशन से निकाल चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि अगर इसमें भी आई ए ए डैश, लेट्स से दिस एक्सिस इज ए ए डैश और यू कैन से एनी अदर 11 डैश 22 डैश बी बी डैश ओ ओ डैश व्हाटएवर, सो आई ए ए यहां पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और अगर हम इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन ए ए डैश के अबाउट देखें तो वो हो जाएगी आर बाई रूट 2। रूट 2 बहुत अच्छे से देखिएगा कि ये रूट 2 कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई बिना किसी परेशानी के। आपने दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया, अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जिससे उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी और भी एक्सिस हैं, यानी कि एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक स्क्वायर है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद दैट। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग योर कॉपी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग हमें कुछ बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करने हैं। अभी हम अगले लेक्चर में उसके थ्योरम्स भी पढ़ेंगे लेकिन पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उनका यूज देखेंगे।
I hope all of you are ready for that. Let's start those important point. सबसे पहला पॉइंट गिव द फर्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके देखना हम लोग कितनी सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट पॉइंट इज अगर आपको किसी भी तरह की कैसी भी शेप का किसी भी तरह का हो कैसा भी शेप हो और उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ मान लीजिए कि इसका मास स्मॉल m है राइट और इसके कुछ डायमेंशंस हैं और इसका जब एग्जांपल कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा एक एक्सिस है a डैश इसके अबाउट अगर ये रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए ए डैश हो जाता है स्मॉल m राइट ध्यान से देखिएगा स्मॉल m और ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय m n प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू राइट घबराना नहीं है है ना ये m n क्यूब a b कुछ नहीं है कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट है कोई बस आपको मुद्दे की बात याद रखनी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन m मास यहां पर है अब क्या होता है अगर ऐसा किया जाए ऐसे ही आइडेंटिकल n मासेस आइडेंटिकल होना लाजमी है ध्यान रखिएगा यहां से ऐसे ही बिल्कुल n नंबर ऑफ ऐसे ही मासेस हमने यहां पर इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि एक दूसरी बॉडी बन जाएगी n मासेस एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हैं तो टोटल मास क्या हो जाएगा अब जो टोटल मास हो जाएगा वो हो गया सपोज m और वो n टाइम्स ऑफ स्मॉल m हो जाएगा राइट n टाइम्स ऑफ स्मॉल m हो जाएगा अब उस पूरी बॉडी का ध्यान से सुनिएगा उस पूरी बॉडी का अगर हमें फिर से इस होल बॉडी का कंप्लीट बॉडी का ये पूरी बॉडी है इस पूरे सारे को मिला करके अगर हम आई टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए ए डैश के अबाउट ही पता करना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट विल रिमेन एज इट इज वट एवर द कॉन्स्टेंट वट एवर द डिवीजन वट एवर द स्क्वायर्स आर देयर दे ऑल विल रिमेन सेम बाकी जितनी चीजें हैं वो सब एज इट इज रहेंगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहां पर चेंज होगी कि पहले हम एक बॉडी ले रहे थे तो उसमें एक बॉडी का मास था अब हम पूरी बॉडी का निकाल रहे हैं तो हमें मास की जगह टोटल बॉडी का मास m यूज करना पड़ेगा बाकी फॉर्मूला एज इट इज देखो ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या था डिवाइडेड बाई एम एन और फिर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू पूरा फॉर्मूला एज इट इज है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है यानी अगर हमें एक छोटी सी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो राइट और वैसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रख दिए जाएं और फिर भी उसी एक्सिस के अबाउट हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना हो तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एंड दैट वुड बी द सेम ओनली एंड ओनली मास ऑफ द बॉडी विल चेंज पहले आपको यहां पर एक बॉडी छोटी सी बॉडी का मास मिला था तो आपने छोटी बॉडी का मास यहां यूज किया था अभी हमें यहां पर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें पूरी बॉडी का मास यहां पर यूज किया गया राइट तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक जैसे एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो सिर्फ मास चेंज करने से हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है राइट और ये कुछ नया नहीं है ये यही है कि आपने हर एक बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते गए क्यों क्योंकि हर एक बॉडी का उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था
क्लियर। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, आपको समझा के दिखाते हैं, बता के दिखाते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। जब आप इसको अप्लाई करोगे तब आपको और क्लियर होगा। अभी आपको हो सकता है 20% नहीं समझ में आया, या हो सकता है आपको 70% 80% तक ही समझ में आया हो, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, ऐसे अपने पास इस तरह के 5 पॉइंट्स हैं जिनमें इंक्लूडिंग 2 थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो हमको आगे चल के मिलेंगी। अभी आपको यहां तक की बात यहीं पे याद रखनी है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझाते हैं कि अब इसको यूज कैसे करते हैं, राइट, यूज कैसे करते हैं। चलिए इसी का एग्जाम्पल, इसी के एग्जाम्पल जो भी चीजें हमने देखी हैं उनको यूज करना, अभी जो आपने सीखा है उसको यूज करना, राइट। चलिए अभी क्या है, Now we are going to calculate the moment of inertia of rectangular lamina. Give the next heading in your copy. Find the moment of inertia of a rectangular thin lamina. Rectangular thin plane. Right? Wooden है, metal का है, कुछ भी हो, एक हमारे पास rectangle है, इसकी लेंथ आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लेंथ है L और इसकी विड्थ यहां पे या ब्रेथ कह सकते हैं वो है B, और इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो आप इसको ऐसे 3D में थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस बहुत कम है, अदरवाइज ये क्यूबॉइड हो जाता। अगर थिकनेस कम नहीं होगी तो ये L, B और T कंपेरेबल होंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। इट्स नॉट अ क्यूबॉइड, इट्स अ लैमिना ऑफ मास m, इसका टोटल जो मास है दैट इज सपोज टू बी m, और इसकी लेंथ l है और इसका ब्रेथ b है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सिस, दिस इज सपोज टू बी द सेंटर, दिस इज सपोज टू बी द सेंटर, ये इसका सेंटर है और जो एक्सिस है वो एक्सिस पास कर रहा है इसके प्लेन से, एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर, और ये इस तरह से अगर रोटेट करते हैं किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से, आपको ये मैंने बता ही दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब हम लोग एक फोन से लगा सकते हैं, लेट मी टेल यू, ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, राइट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना, इसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थिकनेस है टी, और यहां से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ है बी, तो इसको हम यहां पर ऐसे रेक्टेंगुलर लैमिना के फॉर्म में ले सकते हैं, करेक्ट, ऐसे ले सकते हैं। अभी इसको इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि रोटेट कैसे करा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिएगा, गिरना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं ज्यादा तेज रोटेट नहीं करा सकता, एक्सिस आप समझ लो, ये एक्सिस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट इन प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर टू, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर इसको ऐसे घुमाया जाएगा तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, अभी इसको सिर्फ ऐसे घुमाया जा रहा है, सिर्फ ऐसे घुमाया जा रहा है, ध्यान से देखिए, करेक्ट, तो जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो एक्सिस यहां पर आपको दिख रहा है, इसके अबाउट हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारे पास कोई लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास तो एक सिर्फ एक टूल है, क्या कि अगर हमारे पास एक पॉइंट मास m है, उस पॉइंट मास m r डिस्टेंस पर अगर रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन यू कैन से एम आर स्क्वायर, बट यहां आपको एक चीज याद है, जो हमने पहला पॉइंट बताया था उस पॉइंट को यूज करते हुए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इस पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एलिमेंट कंसीडर करें, इतनी सी पतली सी स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप कंसीडर की जाए और इस स्ट्रिप की लेंथ होगी L और इस स्ट्रिप का मास ले लिया जाए dm, राइट, तो इस स्ट्रिप का इसी एक्सिस के अबाउट, ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम आई डैश देखें तो ये हो जाएगा मास एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। क्या याद है आपको बच्चों, क्या ये याद है आपको कि एक रॉड थी
और रॉड का मास अगर m था और रॉड से एक्सिस इस तरह से पास कर रहा था, रॉड इस एक्सिस के अबाउट, मिड पॉइंट के एक्सिस के अबाउट घूम रही थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 था, राइट right? अगर वो ml स्क्वायर बाई 12 था तो यहां पर भी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर इसका भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम ऐसे ही स्ट्रिप इसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, अगर हम रॉड के ऊपर दूसरी रॉड फिर तीसरी रॉड फिर चौथी रॉड, तो देखो ऐसे रॉड्स रखी है ना, तो ये एक लैमिना बन गया सारा मिला के, राइट right? तो अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है, तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी रॉड्स, ऐसे बहुत सारी रॉड्स रखते चले गए, ऐसे बहुत सारे रॉड्स रखते चले गए, तो वो मिलके एक लैमिना बनेगा और लैमिना का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। तो लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें हम लैमिना का मास यूज करेंगे, तो ये आई इस एक्सिस का नाम दे लेते हैं ओ ओ डैश, तो I अबाउट ओ ओ डैश कितना हो जाएगा बच्चों, मास m अब लैमिना का, क्योंकि टोटल मास यूज करना है और टोटल मास कितना है कैपिटल m, तो आपने उसको यूज किया कैपिटल m, यहां पर इसकी लेंथ ही l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 कितनी आसानी से आ गया उसी फर्स्ट पॉइंट से। तो उस फर्स्ट पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है बच्चों, और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट right? बिल्कुल सीक्वेंस से जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको एग्जैक्टली वैसे ही सीखना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट right? और असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूं, उनको एज इट इज करते रहना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होने के बाद फिर एक प्रैक्टिस सेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहां पर जो आपने चीजें देखी हैं ml स्क्वायर बाय 12, उसको एज इट इज नोट करिए, आई ओ ओ डैश ओ ओ डैश ओ ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml स्क्वायर बाय 12 है। अब मैं एक नया एक्सिस देता हूं, देखें आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। अगर हम इसको इस एक्सिस के अबाउट, एक ये एक्सिस है, ये भी सेंटर से ही पास कर रहा है, राइट right? अगर इसके अबाउट ऐसे रोटेट किया जाए, क्लियर है, टोटल मास एम है। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूं किसके अबाउट। अभी आपने इस रेक्टेंगुलर लैमिना को ऐसे रोटेट किया था, यानी लेंथ के, ये लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस था, उसके अबाउट रोटेट किया था। ध्यान से देखिए, लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। अभी हम ये जो लेंथ है ये है बी, इस बी के परपेंडिकुलर, यानी अब हम इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो अभी पहले एल के परपेंडिकुलर एक्सिस था, अब एक्सिस बी के परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब एक्सिस बी के परपेंडिकुलर, अब आप इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं, तो इसके अबाउट रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बता पाएंगे। इस एक्सिस का नाम मैंने दे दिया है बी बी डैश, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट बी बी डैश। कैन यू फाइंड आउट बी बी डैश, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, ऑल ऑफ यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, आप बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए लेट मी टेल यू, अगर आप वो ही रॉड जो आपने पहले ऐसी मानी थी, अब मैं अलग कलर से इसको लेता हूं, अगर आप उस रॉड को ऐसे एज्यूम करें, ये रॉड है ना, और ये रॉड के एक्सिस को देखें, इस रॉड का मास m है और एक्सिस ये है, तो ये रॉड अगर इस एक्सिस के अबाउट है तो रॉड का तो वही फॉर्मूला है, बस रॉड की लेंथ पहले कितनी थी जो आपने ली थी l, अब इस रॉड को जो लिया है वो b हो जाएगी, तो ये लेंथ हो गई b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आपको पता चल रहा है ये, राइट right? अभी आपने देखा कि अगर ये एम बी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो छोटा सा जो डी आई होगा वो हो जाएगा रॉड का मास डी एम और बी स्क्वायर बाय 12, क्योंकि आपको पता है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के अबाउट अगर एक्सिस है तो एम एल स्क्वायर बाय 12, यहां लेंथ बी है तो हमने लेंथ की जगह बी लिखा, एम बी स्क्वायर बाय 12। तो ये फॉर्मूला
एक के ऊपर एक, ऐसे ही हमने एक के पास एक के पास एक के पास ऐसी बहुत सारी रॉड्स रख दी, बहुत सारी रॉड्स रख दी, तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर लैमिना। एंड अगर ये रेक्टेंगुलर लैमिना बना तो क्या इसका फॉर्मूला चेंज होगा? नो, नॉट एट ऑल, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और बी बी डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ मास चेंज होगा। अब पूरा रॉड का मास जो था वो डीएम था, लेकिन पूरे लैमिना का मास कैपिटल एम है, तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये इसका फॉर्मूला स्क्वायर है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, कलर चेंज कर दे रहे हैं यहां एम बी स्क्वायर, राइट, जिससे आपको समझने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्यूजन ना हो। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, आपने देखो रेक्टेंगुलर लैमिना के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, अगर उसको लेंथ के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो एम एल स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के अबाउट अगर रॉड को घुमाएं तो एम बी स्क्वायर बाई 12, दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, राइट। चलिए और आगे बताते हैं, बहुत ही आसान से आपने देखे, बहुत ही आसानी से देखा, अब अगला एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं, कितना प्यारा सा, मस्त, ध्यान से देखना। अगर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और इसके एक्सिस के अबाउट, ये एक एक्सिस है, एक रिंग है, चलो थोड़ी थिन रिंग बना देते हैं ऐसे, एक ये रिंग है और इसका छोटा सा मास m है और इसकी रेडियस अगर मान ली मैंने r है, तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू स्मॉल m r स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों, बोलो क्या इसमें कहीं कोई परेशानी आ रही है? m r स्क्वायर ही होगा, स्मॉल m r स्क्वायर। अब बताओ अगर ऐसी ही आइडेंटिकल रिंग्स हम एक के ऊपर रिंग के ऊपर दूसरी रिंग तीसरी रिंग चौथी रिंग एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाएं, बताओ क्या बनेगा? अगर आपने रिंग है उसके ऊपर दूसरी रिंग फिर तीसरी रिंग फिर चौथी रिंग, कौन सा शेप बनेगा? बहुत सारी रिंग रख दो, यस, अब जो शेप बनेगा वो हॉलो सिलेंडर। देखो जरा ध्यान से, अब आपका ये शेप बन जाएगा, है ना, अलग से बना देता हूं, अब आप ऐसे, ये एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा इस तरह से, ध्यान से देखने, ये ऐसे सिलेंडर बनेगा और सिलेंडर की लेंथ से अपने को कोई मतलब नहीं है, एक्सिस कहां है और रेडियस, ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से जाने वाली एक लाइन, देखो सेंटर से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे घूम रहा है और टोटल मास इसका m है, रेडियस अगर देख रहे हो तो कैपिटल R है। अब अगर ये घूम रहा है तो इसको अगर आपने मान लिया सी सी डैश, तो हॉलो सिलेंडर आई सी सी डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो वही रहेगा, क्योंकि ये रिंग के ऊपर रिंग रखने से बना था ना, तो रिंग के ऊपर रिंग रखने से सिलेंडर, तो रिंग का जो फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, बस हमें रिप्लेस क्या करना है, मास, तो उसका मास कितना था, स्मॉल m, यहां है मास कैपिटल m, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर। लो आपके पास हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, सभी को समझ में आ रहा है, राइट चलिए एक पॉइंट और करते हैं, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो भी अगली क्लास में, क्लास का टाइम भी हो रहा है अभी। हम आपको अगर पूछें सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, राइट, सॉलिड सिलेंडर में बताओ क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर कैसे बना होगा, जरा सोच के देखिए, जो ये सॉलिड सिलेंडर है ये किस तरह से बना होगा, ये एक्सिस है यहां पर और एक लाइन यहां से ऐसे पास कर रही है, अब अगर ध्यान से आप देखो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका मास कैपिटल एम है, और ध्यान रखिएगा ये सॉलिड है, तो सॉलिड क्या किसी शेप को एक के ऊपर एक रखने से बना होगा? यस, डिस्क,
अगर आपके पास एक डिस्क है, आपको पता होगा कि अगर ये एक डिस्क है ऐसे, और इसका मास स्मॉल m और इसकी रेडियस कैपिटल R, तो इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, राइट? अगर इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो आपने क्या किया, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इसके ऊपर मतलब एक डिस्क रखी, फिर उस पर दूसरी डिस्क, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी डिस्क, डिस्क पे डिस्क रखते चले जा रहे हैं, कैसा शेप बनेगा? डिस्क ऑन डिस्क, अनदर डिस्क, अनदर डिस्क, यू विल गेट सॉलिड सिलेंडर। यस, यू विल गेट द सॉलिड सिलेंडर। अगर आपको वो सॉलिड सिलेंडर मिल गया, तो आप उस सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रखेंगे, बस आपको इस मास की जगह अब ये मास घूमना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कह रहे हैं, एक्सिस का नाम दे दिया डी डी डैश, और इसके अबाउट ये घुमा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डी डी डैश इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, एंड देयर विल नो चेंज एट ऑल, देयर विल नो चेंज एट ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी बच्चों को समझ में आया बिना किसी परेशानी के? Everything is clear, everything is done, 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 done. That's good. तो आपने पहला पॉइंट जो सीखा है, वो पहला पॉइंट यही कि आपके पास अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, या आइडेंटिकल शेप है, या आइडेंटिकल साइज है, आइडेंटिकल चीजें, देखो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हो, अगर हम वैसी ही चीजें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, तो हमें कहीं पर कोई भी परेशानी, समस्या, टेंशन नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी एज इट इज, राइट? फॉर्मूला वही रहेगा, और उसका यूज हम लोग ने कहां कहां किया, देखो, रेक्टेंगुलर लैमिना के इस एक्सिस के अबाउट निकाला, ऐसे घुमाने पर, ऐसे घुमाने पर, फिर आपको यही चीज मैंने हॉलो सिलेंडर के लिए, यही चीज इसके लिए ऊपर लिख लेना, ये हॉलो सिलेंडर है ना, ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको ध्यान रहेगा, ये हॉलो सिलेंडर है और यहां सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, राइट? चलिए, एक पॉइंट तो हमारा क्लियर, ऐसे फाइव पॉइंट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तब आपका क्लियर होगा, एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है। आई होप आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में, हम लोग बचे हुए पॉइंट देखेंगे और उसका एप्लीकेशन, ओके? तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मजे में रहें, एंजॉय करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मौज करो, मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय।